अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ए एम डी पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आज जिस न्यू मशीन का आप इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं वो मॉडल है GR100 ब्लैक। ये लॉन्ग रेंज लोकेटर हैगा और एक वीडियो से पहले हमने बनाकर इस चैनल पर डाली थी, जो GR100 ब्लैक हॉक मिनी मॉडल जो आता है, साइज़ में थोड़ी छोटी मशीन है वो। इसी मशीन का ये 2021 का मॉडल लॉन्च हुआ है जो AMD पाकिस्तान पर अवेलेबल हैगा। इस मशीन में थोड़ी सी चेंजिंग की है, अपग्रेड वर्जन हैगा ये। GR100 की जो मिनी मॉडल है उसकी वीडियो अगर अभी तक नहीं देखी तो ऊपर आई का आइकॉन बना हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। अभी हम इस वीडियो के अंदर इस GR100 का जो मॉडल है ब्लैक हॉक लॉन्ग रेंज गोल्ड जैम डिटेक्टर जो है इसको अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं, इसे किस ऑपरेट करने ये भी बताएंगे। ये फर्स्ट वीडियो आप देख रहे हैं, इसके बाद सेकंड वीडियो भी हम डालेंगे जिसको हम इसे आउटडोर इसे फील्ड में चेक करेंगे और कोई चीज़ छुपा कर इसके जरिए सर्च करने की कोशिश करेंगे और क्या क्या फ्यूचर है इसके अंदर उसके हवाले से उसे भी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी ये जो मशीन है इसे मैंने अनबॉक्स किया है, इसमें बड़े अच्छा सा ये बॉक्स के अंदर आती है। ये आप ये देख रहेंगे, ये शॉक प्रूफ वाटर प्रूफ बॉक्स हैगा, इसके अंदर आती है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें, इसमें आप सबसे पहले ये देखें जनाब, इसकी कैटलॉग हैगी ब्लैक हॉक की GR100 की। इसके अलावा इसमें एक DVD आती है, मगर जो हम वीडियो बनाते हैं इतनी इजीली आप बनाते हैं कि इजीली कोई भी बंदा उसे देखकर इसे ऑपरेट करना सीख सकता हैगा। और इसके अलावा ये लोकेटर मशीन हैगी, ये आप देखेंगे इसे मैं उठा रहा हूँ, और ये काफ़ी बड़े साइज़ की मशीन हैगी, काफ़ी बड़े साइज़ की ये मशीन हैगी। और इसमें इसके अलावा सेकेंड पार्ट जिसका आप ये देख रहे होंगे, ये भी काफ़ी बड़े साइज़ में इसमें बैटरी बिल्टन हैगी, रिचार्जेबल है, आपको अलग से कोई बैटरी ऐसे लगानी जरूरत नहीं है, रिचार्जेबल है। और इसके साथ दो चार्जर भी आपको मिलते हैं, इस बॉक्स के अंदर दो चार्जर हैंगे इसके, एक इसका हैगा और एक इसका हैगा, ट्रांसमीटर रिसीवर के दोनों के चार्जर हैंगे। और ये इजीली आप इसे जिससे मोबाइल को आप चार्ज करते हैं इस तरह इसे चार्ज कर सकते हैं। तो इस मशीन के साथ दो चार्जर मिलते हैं, पुरानी मशीन के साथ एक आता था, इसमें दोनों मशीनों के अलग अलग इन्होंने चार्जर दिए। इसके अलावा इस मशीन के अंदर वॉइस भी आती है, इसके साथ ये हैंड फ्री भी आपको मिलता हैगा, जैसा मोबाइल फ़ोन का होता है इसमें आप इधर लगा सकते हैं। और ये चार्जिंग पॉइंट, इसका ये चार्जिंग पॉइंट हैगा और ये हैंडफ्री लगाने का है। अभी हम देखेंगे जनाब, ट्रांसमीटर रिसीवर दोनों आपके सामने मौजूद हैं, दोनों मिलकर ये काम करते हैं, इसे आप कमांड देते हैं इस मशीन से, और जो भी कमांड देते हैं इसमें चार चीज़ें आप ढूंढ सकते हैं, सिल्वर है, चांदी, गोल्ड, सोना, जेम स्टोन, जैसे रूबी हो गया, कीमती पत्थर हो गए वो भी इसके थ्रू ढूंढ सकते हैं, और डायमंड भी ढूंढ सकते हैं। चार चीज़ें डिटेक्ट करता है, इसका काम करता है ये, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दिखाऊंगा मैं आपको। सबसे पहले ये जो आप इसका ये पावर का स्विच आपने ऑन कर लिया, ये देखिए पावर की लाइट इसमें ऑन हो गई है। इसके अलावा इसमें भी आप पावर की, ये देखें स्क्रीन पर, ये पावर की लाइट आपने स्विच ऑन कर लिया है। और ये जो वेरिएबल है जिसे मैंने ऑन किया है, ये देखेंगे जब इसे मूव कर रहा हूँ मैं तो इधर लाइट, जैसे जैसे मैं इजाफा कर रहा हूँ तो ये लाइट आगे की तरफ जा रही है, और ये नीचे की तरफ ला रहा हूँ, डाउन कर रहा हूँ तो कम हो रही है। ये इसकी रेंज है, अगर कम रेंज में आपने डिटेक्ट करना है तो इसे आप ग्रीन के ऊपर रखेंगे, अगर आपने मीडियम रेंज पर चेक करना है तो यहाँ पर आप आ जाएंगे, और बहुत ज़्यादा रेंज पर चेक करना है तो रेड कलर जो आप देख रहे हैं इसे भी आप बढ़ाकर रेंज, इसे जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा रेंज पर ये काम करेगा। ये ज़मीन के अंदर तकरीबन 30 मीटर तक जाता है और सामने का जो एरिया है वो 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर तक ये सर्चिंग की सलाह मशीन रखती है, तो इसके ज़रिए आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो वेरिएबल दिया है, इसे जब मैं घुमाता हूँ, देखें सामने लेजर लाइट आपको दिख रही होगी सामने, और इसे मैं जब बंद कर देता हूँ या बंद हो गई, तो जैसे आप इसे ऑन करेंगे थ्रेशोल्ड का बटन है सामने, लेजर पिन पॉइंटिंग करेगा और ये स्कैनिंग की लाइट इसकी ऑन हो जाएगी, और इस वेरिएबल से आप रेंज कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब जनाब इसे मैंने कम रेंज पर रख दिया, लेजर लाइट आप देख रहे होंगे ये सामने से इसमें से निकल लिएगी, लेजर पिन पॉइंटिंग मशीन है, ये बड़ी जल्दी डिटेक्ट करती है, रात में भी बड़ी कालामत है, बहुत अच्छी रीडिंग लेती है। इसमें देखें चार लाइट दी है, सिल्वर, गोल्ड, जेमस्टोन, डायमंड, और ये स्कैन की लाइट जल्दी जुड़ी है। और सपोज करें मैंने गोल्ड को सर्च करना है, जैसे ये गोल्ड वाला बटन दबाऊंगा तो गोल्ड की लाइट यहाँ पर भी जल जाएगी और यहाँ पर भी गोल्ड की लाइट जलना चाहिए, तो ये मशीन गोल्ड को सर्च करने के लिए तैयार हो जाएगी, रेडी हो जाएगी। सबसे पहले इसे हमने ऑन किया था, मैं गोल्ड का ये बटन दबा रहा हूँगा, जैसे मैंने गोल्ड का बटन यह दबाया तो आप देखें मशीन पर यहाँ पर गोल्ड की लाइट आपको दिख रही होगी, ऑन हो गई है। अब ये मशीन सिर्फ गोल्ड को सर्च करिए, एक टाइम एक चीज़ सर्च करती है, अगर हमने गोल्ड पर लगाया तो गोल्ड को सर्च करेगी। सपोज करें मैं कीमती पत्थर सर्च करना चाह रहा हूँ, तो मैं जनाब जैम का ये जो बटन है ये दबाऊंगा, जैसी जैम का बटन दबाए तो यहाँ पर देखें जैम वाली लाइट जल गई, जैम स्टोन वाली लाइट जल गई है इस मशीन के ऊपर, और ये जैम को सर्च करेगा, जैम यहाँ लिखा हुआ भी है,
इसी तरह मैं डायमंड को सर्च करना चाह रहा हूँ तो ये डायमंड वाली स्विच को दबाऊंगा और जैसे मैंने डायमंड का बटन दबाया तो यहाँ देखेंगे डायमंड की लाइट ऑन हो गई, यानी एक टाइम में एक चीज सर्च करती है। सबसे ज़्यादा जो लोग इस मशीन को लाइक करते हैं लेते हैं वो जेम स्टोन के लिए लेते हैं या गोल्ड के लिए लेते हैं। तो सपोज करें मैं इसे गोल्ड का ये बटन दबा रहा हूँ, ये जैसे गोल्ड दबाया गोल्ड की लाइट ये जल गई। इसी तरह चांदी सिल्वर वगैरह को भी आप सर्च कर सकते हैं। बहुत अच्छी मशीन है, इजीली ऑपरेट मशीन है और इसमें ये सामने आप देख रहे होंगे लेजर लाइट यहाँ पर दी हुई है, पिन पॉइंटिंग एरिया दिया हुआ है, चार्जिंग का पॉइंट इसमें दिया हुआ है, एक इंटरनेट के अंदर बिल्टन है और ये थ्री और ये अलग से एक्सटर्नल लगा हुआ है, इसलिए रिमूवेबल है, इसे निकाल भी सकते हैं, मुख्तलिफ डायरेक्शन इसमें सेट भी कर सकते हैं। और इसके अलावा इस मशीन के अंदर खूबी और रहेगी, इसमें ये प्रॉप भी यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये जो है इसमें अगर कोई कीमती पत्थर आप ढूंढते हैं या डायमंड ढूंढते हैं तो इसके थ्रू आप टेस्ट भी कर सकते हैं कि जनाब वो पत्थर असली है नकली है, डायमंड असली है नकली है। तो मैंने जैसा बताया फर्स्ट वीडियो जिसमें अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ किस तरह मशीन काम करती है, बटन के साथ काम करते हैं, उसका इंट्रोडक्शन आपको दिखा रहेंगे। इसकी जो सेकंड वीडियो जो होगी उसके अंदर हम इसे फील्ड में टेस्ट करके आपको दिखाएंगे, इसकी रीडिंग किस तरह लेते हैं। और थर्ड वीडियो जो होगी वो भी आप देखेंगे और उस वीडियो के अंदर आप देखेंगे जनाब कि इससे हम पत्थर को या डायमंड को किस तरह टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं, ये किस लिए दिया हुआ है, तो इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो अभी हमारे चैनल से जुड़े रहे हैं और अगर इस चैनल को अभी तक आपने लाइव नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें कि इससे कि मजीद वीडियो हम डालते रहते हैं और नई नई मशीनें पाइसिंग में ला कर आपकी खिदमत में पेश करते रहते हैं, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देते हैं, चलाना भी सिखाते हैं और ये घर बैठे भी अपने मंगवा सकते हैं या हमारे ऑफिस से ले सकते हैं। सारे मिलते जुलते नामों से बहुत से लोग काम कर रहे हैं, हमारी कंपनी का नाम है AMD पाकिस्तान जो मुखफ़ अल मदीना डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान, हमारा हेड ऑफिस कराची के अंदर सदर के अंदर वाक़ है और हमारे ऑफिस से आकर भी ले सकते हैं, पूरे पैसे मंगवा भी सकते हैं। पहले हमारे ऑफिस में आए, सेटिस्फाई हों, मशीन को चेक करें, इसका डेमो देंगे, चलाकर चेक कराएंगे, उसके बाद आप परचेज करें। ये सोलर सिर्फ AMD पाकिस्तान देता है, डायरेक्ट हम इम्पोर्टर रहेंगे, किसी का माल नहीं बेचते, अलहमदिल्ला हम सारी मशीनें खुद इम्पोर्ट करते हैं और ये हमारे ऑफिस में अवेलेबल होते हैं। कोई सवाल करना चाहें तो नीचे कमेंट्स करेगा। इसके अलावा बहुत सारी वीडियोस आप आगे देखेंगे, इसके बाद वक्तन को अपने वीडियो देखते रहेंगे और इस वीडियो को जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, पाकिस्तान जिंदाबाद।